तो ससुराल ससुराल होता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से, ये वरुणा, इधर वरुणा नदी है, दिखाइए, ये वरुणा नदी है, ठीक है ना। और ये देखिए सामने दिखाइए रंजू, और वरुणा और अस्सी के बीच की नगरी को हम वाराणसी कहते हैं। जो वरुणा नदी है, ये जो वरुणा नदी आपने देखा क्रॉस हम लोग कर रहे हैं, और ये अस्सी घाट, तो वरुणा और अस्सी के बीच की जो जगह है ना उसको वाराणसी कहा जाता है। इसलिए बात ध्यान रखिएगा आप लोग जो है कि हम लोग आंध्रा पुल पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग बाएं की तरफ मुड़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ब्रिज पकड़ेंगे और हम लोगों को ब्रिज पर चले जाना है। तो ट्रेन ऊपर चल, तो ये ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे से जो है कि हम लोगों को जाना है। अब देखते हैं हम लोगों का जाम कब खुलता है। टाइमिंग नहीं लगा है, केवल लाइट बुक कर रहा है। बोल दीजिए मंत्र। कुछ भी नहीं हुआ था, हुआ है सब, लेकिन थोड़ा सा बोलिए। तो दोस्तों देखिए ये हम लोग बनारस आ चुके हैं। देखिए सामने जो है कि आप देख सकते हैं, इधर देखिए वाराणसी जो है कि कैंट स्टेशन है। तो भाई मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मैं सभी के लिए भगवान विश्वनाथ का जो है कि वंदन किया, आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी और सभी दर्शकों के लिए। तो भगवान विश्वनाथ सबको बनाए रखें। और ये देखिए ऊपर ब्रिज पर हम लोग चल रहे हैं, अब ब्रिज से उतरने वाले हैं। काफ़ी लंबा ब्रिज था यह जो है कि, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। मुझे बौलिया जाना है, बौलिया से फिर जो है कि मुझे अनन्या के पास जाना है। तो चलिए दिखाएंगे आगे। और ये देखिए इस तरह से हम लोग नीचे ब्रिज से उतर रहे हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है जो है कि उत्तर प्रदेश सेहत निगम, और ये जो है कि लंबाई देखिए 1710 मीटर थी ये लंबा, यानी कि लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा है ब्रिज था जो है कि। और इस तरह से हम लोग नीचे आ गए। वहाँ जाना है तो कुछ मीठा लेना पड़ेगा, तो सर ने कहा सो फ्रेंड्स, तो जाना है तो कुछ मीठा ले जाना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या ले रहे हैं, मीठा। देखिए समोसा बन रहा है और लंगलता छनाया है, कढ़ाई में समोसा पड़ा है। मीठा ले लिए हैं और पैसा वापस हो रहा है। अपनी बच्ची के घर की तरफ। तो भाई ये मेन रोड है तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है यहाँ से। आगे से फिर हम लोग बिटिया रानी की कॉलोनी में आ गए हैं, बनारस की कुछ नगरी में। और इस तरह से जो है घूम रहे हैं भाई, बहुत बरसात के सीजन में। यहाँ का भी रोड वही है, देखिए बरसात के सीजन में कहीं पर भी बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या किया जाएगा, चलते बच्चों रहना के है। लिए कुछ करना ही पड़ेगा। उस पानी से तो अच्छा है। लगभग हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लिफ्ट में बंद हो गया आपका, लेफ्ट हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, हो जाती है बढ़िया। हो जाए, चौड़ी रोड अभी यहीं थोड़ा सा दिक्कत, पीछे बैठ कर नहीं पाएंगे क्या? देखते रहिए कैसे कैसे जाना। बैठिए तो
बैठिए। तो हम लोग आ चुके हैं भाई, अंधेरा है देखिए, इधर जो है कि इधर प्रकाश है। और इसमें की लाइट कहाँ चली देंगे उनजो, और माता जी और सब लोग हैं यहाँ पर। रंजू भी पहुँच गई हैं अपनी बेटी की ससुराल में, तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखते हैं ब्यूटी से मिलते हैं भाई। ये तो बीमार थी, बहुत परेशान थी, आ गए हम लोग जो है कि इसके यहाँ। अब ले करके इसको चलना है, और इसका एल्बम भी लाए हम लोग, लेकिन एल्बम वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। तो चलिए, तो ससुराल ससुराल होता है। देखिए घूंघट निकाल करके आना पड़ा, देखिए घूंघट निकाल करके आना पड़ा। तो ये सब अपना सामान रख रही हैं। दुल्हन बनी है भाई यहाँ पर, उधर माता जी खड़ी हैं, उनकी माया है सब लोग से। देखिए ये कुछ दे रही हैं। चलिए आ गई हैं अभी। चल रहे हैं हम लोग। शीशे में देखिए, मेरे कार के शीशे में पीछे जो है कि वो लोग जो है कि फल ले रही हैं, माँ और बेटी दोनों लोग जो है। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ना, तो मोल भाव कर रही हैं। मोल भाव करने में रंजू बहुत माहिर हैं, और लोग कुछ आते जा रहे हैं, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये है आजकल, चूँकि फलों का सीजन चल रहा है ना, चारों तरफ देखिए, यहाँ भी सामने सामने सेब ही सेब है देखिए ये, और लोग सेब ले रहे हैं। आगे कुछ अनार जो है कि वैसे लगा हुआ है, देखिए वो अनार जो है। तो ये पूरी तरह से, तो इस समय जब सीजन आया ना, तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। देखिए ये दूर तक मैं दिखा रहा हूँ, तो किनारे लोग जो है कि अभी ये लोग आ रही हैं, देखिए आ गई लो ले करके दोनों लोग। तो ये पीछे, तो देखिए ये आ गए, थोड़ा ले ले क्या, ले लीजिए। देखिए अगर ले लीजिए, तो आगे अनार जो है कि देखिए 70 रुपये केजी है। तो जा रही अनार लेने के लिए बिटिया रानी के लिए। देखा जाए कि 50 बरस के आदमी का दांत कैसा है, क्या ये दांत से टूट रहा है कि नहीं, ये भी जो कि चैलेंज है ब्यूटी ने दिया है। तो शुरुआत हो गई चैलेंज की, देखिए देखते हैं। अरे टूट गया, टूट गया, टूट गया। हाँ तो बहुत आवाज भी आई है। वाह मूंगफली, तो दांत तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ निकला बहुत थोड़ा सा। अच्छा लेकर देखिए, एक भी तोड़ दिए थे तो कहेंगे रुकिए देखूं कि दांत की मजबूती क्या है। देखिए तोड़ चुका हूं मैं दांत से ही, भले हाथ से नहीं, दांत तो टूट। देखिए ये टूटा है, तो दांत मजबूत हैं लग रहा है कि ठीक है। आप लोग भी अपना मजबूत दांत करिए, और अच्छा भी है। तो मैंने तो दांत से अखरोट तोड़ दिया, आप तोड़ेंगी दांत ही निकल जाएगा। तो इधर दिखाओ, दो मलाई, दो मलाई दीजिए। हाँ पानी हमको दे दीजिए मलाई वाले। अरे क्या है कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं लगा रहा। लगा रहे हैं भाई ब्रेक तो, पानी वाला है, पानी वाला लाइए भाई, पानी वाला। तो भाई देखिए मैं तो पानी वाला पी रहा हूँ, एकदम पानी लबा लो, भरा हुआ है, गिर रहा है। वाह ये लो मलाई वाले। फ्रेंड्स हम लोगों ने ये पहाड़िया मंडी से बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, नारियल पानी और कीवी सेब अनार जो कुछ भी मिल रहा था ले लिए, पी भी लिए, और अब चलते हैं घर की तरफ। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक छोटी सी दुकान है, और ये छोटा सा समोसा,
बहुत ही टेस्टी अलग लग रहा है ना, इसमें कुछ अलग तरीके का लग रहा है ना ब्यूटी। हाँ, बड़े दुकानों जैसा नहीं है, जैसे घर का आलू पराठे के मसाला। और ये बगल में देखिए हाईवे है, जस्ट देख सकते हैं आप लोग, ऊपर दिखाया करिए। तो दिखा रहे हैं भाई, मैं दिखा रही हूं, आप हम दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये छोटे से समोसे इमली की खट्टी चटनी के साथ, मेरा तो मूड ही चेंज हो गया। और ये मम्मी और ये पापा चाव से पहली बार समोसा खा रहे हैं, चटनी ले लेके। दादी इतने प्रेम से बना रही हैं, तो ये देखिए रही है, देख रहे हैं। इसका कुछ अलग टेस्ट होता है और कभी कभी पिया जाता है जब मूड जो है कभी करता है तो आज मूड किया यहाँ पर, तो छोटी सी दुकान पर चाय बनवा रहे हैं। और ये पूर्वा पूर्वे की चाय होगी। आप तो चाय नहीं पीते हैं, आप पीते हैं तो पूर्वे की चाय क्यों पीते हैं? तो दोस्तों एक्चुअली मैं पूर्वे की चाय इसलिए पीता हूँ, किसी बहाने मुझे जो है कि देश की मिट्टी की खुशबू को अपने चूमने का अवसर मिल जाता है। थोड़ा सा मैं जो है ना कि देश की मिट्टी की खुशबू जो है ना कि मिलती है सोधी सोधी नाक से और फिर ओठों से लगाने का चांस मिलता है। ऐसे तो मिट्टी को लगा नहीं सकते हैं, तो इसी बहाने जो है कम से कम मैं क्या करता हूँ जो है कि देश की मिट्टी को जो है कि चूम लेता हूँ। बिल्कुल, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी कभी पीजिए ना तो पूर्वे में चाय पीजिए इसी बहाने, और देखिए क्या मज़ा आता है। सौंधी खुशबू और प्लस जो है कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अपने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा। और ये 2 महीने बाद चाय पी रहे हैं। बिटिया रह रही थी तभी का चाय पिए, फिर बिटिया को लेकर जा रहा है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह की कभी कभी दुकान पर जब आप कभी जर्नी में होते हैं तो थोड़ा सा जब चाय पीते हैं इस तरह का पूर्वे में लेकर के, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और जैसा कि अभी मैं बताया था, मेरे दिमाग में बात आती है हमेशा, मैं बहुत अजीब तरीके से सोचता हूँ कि इसी माने हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने जो है कि होठों से जो है कि इसको चूमते हैं लगाते हैं तो देश की खुशबू नज़र आती है और चूमने का चांस मिल जाता है। तो निश्चित तौर पर जब कभी आप भी ऐसा कुछ करें तो इस तरह की बातों को समझें, और कई सारे फ़ायदे होते हैं इससे। एक तो छोटा जो इस पूर्वे को बनाता है उसको भी जॉब मिल जाती है, और फिर जो है कि एक अलग तरीके का आनंद भी आता है। और इस तरह से कहीं हाईवे पर आप हों और इस तरह की चाय की चुस्कियां ले रहे हों, मौसम भी शानदार हो, तो फिर क्या पूछना। तो मौसम बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं। और थोड़ा सा जो है कि सूर्यदेव जो है कि उदित हुए हैं, देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े बड़े होटलों में वो मज़ा नहीं है जो इन सब जगहों पर है, तो कभी कभी लेना चाहिए ना, दिन भर की थकान उतारना है, क्योंकि बहुत गाड़ी चलाई गई है ज़बरदस्त। और अभी तो मैं चौबेपुर से थोड़ा सा आगे हूँ, फिर देखता हूँ कब पहुँचता हूँ। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए पूरे ब्लॉग। हमने चाय पिया था, अब चल रहे हैं देखिए। और मैं व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि जाते समय तो दिखाया ही था, और अब देखिए आगे देखिए वो शानदार व्यू देखिए। इस समय का जो है ये इस समय का जो है कि आते समय का बिना बारिश का व्यू, जिसमें जो है कि अभी सड़क की मरम्मत चल रही है, लेकिन फिर भी जो है कि कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है, कुछ जबरदस्त लग रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं इस तरह से, और ये लाइटें जब रात को जलती होंगी तो लाजवाब लगती होंगी। इधर के लोग तो अभी इसको देख देख करके खुश हो रहे हैं इस पर घूमते हुए जो है कि। चलिए फिर मिलते हैं आगे दोस्तों। गाड़ी की स्पीड जो है कि ये है 100 पर चल रही है। अच्छे सड़क पर यही फायदा होता है, अच्छी सड़क है तो आपका ईंधन बचता है, टाइम बचता है, और गाड़ी आसानी से चलती रहती है। ये बाहर का व्यू, शानदार रास्ता, कुछ शानदार, बहुत ही लाजवाब। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं गाजीपुर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग कुछ एक चट्टी, देखो देखिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि लोग अभी भी सीखे नहीं हैं
कि हमको किस तरीके से इस पर चलना, हाईवे पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए भाई, बहुत मजा आया। एक बात अभी याद आया, मैंने पूछा कि भाई मेरा साग तो खराब नहीं होगा, तो ब्यूटी ने कहा कि इतनी अच्छी ठंड है, ऐसी है तो साग क्यों खराब होगा, आदमी नहीं खराब होगा तो साग क्यों खराब होगा। तो सही बात है भाई, जब इस एसी में आदमी नहीं खराब होगा तो साग क्यों खराब होगा, साग भी जो है कि सही रहेगा जब आदमी ठीक है। तो सारी सब्जी हरी भरी अपने जगह पे है भाई। आई लव माय सब्जी, आई लव माय सब्जी। मैं इतने से मैं बैठी हूँ और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जी रखी गई है। तो भाई सब्जियों से जीवन है, हरी हरी सब्जियाँ। अरे बाप रे, आई लव माय सब्जी। और अचानक आ गया मूड, तो मैंने मोड़ दी कार। देखिए धुआं धकधका रही है इसका इंजन और मेरा इंजन, और ये काले बादल घिर गए हैं। और चूंकि इसका कारण है कि मेरा पेट्रोल गाड़ी है और वो डीजल गाड़ी है, इसलिए धुआं मार रही है। देखिए मैं आगे भी निकल गया क्योंकि इसकी स्पीड जो है कि अलग होती है, पेट्रोल गाड़ी के पिकअप अलग होता है। काम हो गई यार दोस्तों, तो अभी जाना है हमको 110 किलोमीटर। भगवान भरोसे चलना है। दोस्तों एक्चुअली देखिए हम लोग एकदम आँख में स्वेलिंग हो गई है क्योंकि भाई अब रात हो गई है। और पता है हमको मऊ से होकर के आना पड़ा है क्योंकि उधर का रास्ता बहुत खराब था, तो मऊ होकर के चले हैं। अब जो है कि मऊ से रसना वाले रोड पर हैं और मैं जो है कि एक क्रॉसिंग पर रुका हुआ हूँ, जो मतलब कि ये रसना और मऊ के बीच में एक पड़ता है। अब देख यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 1.5 घंटे और लगेंगे, 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि 6:30 हो रहा है और चारों तरफ देखिए अंधेरा है, बहुत भयानक रात हुई है और लाइट भी नहीं है। मैं भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए तो ये क्रॉसिंग पर देखिए हम लोग रुके हुए हैं और ये बुक बाक हो रहा है क्रॉसिंग पर। देखिए ये एकदम अंधेरा है, कहीं कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं है, गुप अंधेरा चारों तरफ। ये थोड़ा सा देहातों में दिक्कत होती है। वेट कर रहे हैं कि कब जो है कि गाड़ी आ जाए, उसके बाद हम लोग निकले। यहाँ जाम हो गया है और ये पेड़ गिरा हुआ है मऊ वाले रास्ते पर। मैं देखिए इसी तरह की दिक्कत होती है, देखिए ये पेड़ देख रहे हैं अचानक, और ये रात का समय है एकदम भयानक अंधेरा। और देखिए हम लोग निकल रहे हैं भाई, आज तो एकदम एडवेंचरस जर्नी है हम लोगों की, एकदम एडवेंचरस जर्नी है। तो इस जर्नी के बारे में क्या आपकी राय होगी कमेंट जरूर करिएगा भाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, चलते रहना है। और चलती का नाम गाड़ी है इसलिए चल रहे हैं हम लोग, जिंदगी तो यही है ना। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये रेलवे क्रॉसिंग हम लोगों की एक ऐसी क्रॉसिंग है जो फिर मिली, और ये रेलवे क्रॉसिंग लेकिन पास की है, और ये जो है कि हम लोगों को जो है कि ये अंतिम क्रॉसिंग है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे गणवार और बिल्कुल पास में आ जाएंगे, और इस तरह से जो है कि हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि अब आ चुके हैं। एक टेम्पो बगल में खड़ा है बेचारा, और बारिश हो रही है, देखिए वो कैसे अपने पॉलीथीन से अपने को बचा रहा है टेम्पो में जो है कि इधर ब्लू कलर का पॉलीथीन जो है कि यहाँ से लाइए दिखा रहे हैं, तो ये देखिए और बारिश की बूंदें और ये सामने इस तरह का कुछ है व्यू। तो खैर लग रहा है कि जर्नी अब ख़त्म हो गई। देखिए ट्रेन भी पहुँच करते हुए आ रही है, इधर से आ जाएगी, मेरे बाएं साइड से आएगी। अभी देखिएगा दड़दड़ाती हुई जा रही है ट्रेन, ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई। तो मज़ा आ गया, हम लोग तो अब आने वाले हैं भाई। बहुत सुबह से बारिश थी लेकिन भगवान की कृपा हुई, जय ओ ब्रह्म बाबा, हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोगों का देखिए खुलेगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल जा रे। तो सिम सिम खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है भाई, अभी बड़ा लेट किया भाई, हम लोग वेट करें, आप लोग भी वेट करिए। खुलेगा, खुल गया सिम सिम, खुलेगा 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 खुलेगा, और एक उधर से ऊंचा उधर से नीचे, कमाल हो गया भाई। देखिए देखिए ये तो टेम्पो ने हमसे आगे जंग जीत ली, और वो देखिए पॉलीथीन पहने हुए एकदम निकलते भागते चले गए, परा गए हम पिछुआ गए। अब ब्यूटी कह रही है कि वो बिला गए। नहीं हम बिला गए नहीं कहेंगे भाई, बिला गए नहीं, हम परा गए बोलेंगे, और हम भी इससे आगे निकल गए। चलिए भाई अब पहुंच करके दिखाएंगे कि कैसे, हाँ ब्यूटी कलर का लेक्सी कैसे खुश रही। बोलिए
तो दोस्तों गेट खुल गया, ब्रह्म बाबा की जय। जर्नी शुरू हुई थी पूरे लगातार 8 घंटे चलाते चलाते गाड़ी, और इस बरसात में देखिए मौसम भी ऐसे ही अभी है, और अब गेट खुल रहा है मेरा, और हम लोग गाड़ी अंदर करेंगे। तो ब्रह्म लेके लेक्सी पहले ही आगे बाहर आ गई, पागल चलो चलो अंदर चलो। तो लग रहा है कि सुन थोड़े रही हो, शीशा बंद है तो बच्चे वेट कर रहे हैं, लाइट नहीं है। देखिए बहुत खुराफात जैसे माहौल है, और इन लोगों को तो मैं यहीं उतारूंगा। उतरिए आप लोग, देखिए धीरे से उतर जाइए आप लोग।